हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर वीडियो। तो लाइन टूल के बारे में हमें पढ़ना है। तो लाइन टूल क्या है? लाइन टूल जब हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम लाइन टूल का यूज़ करते हैं। जैसे स्टेप वन, लाइन टूल सेलेक्ट लाइन टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट। स्टेप सेकंड, द माउस पॉइंटर विल चेंज प्लस आइकन में आई ड्राइंग एरिया में। आप जब माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद तो ये अपना आइकन चेंज कर देगा। उसके बाद आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं और फिर शिफ्ट की के साथ आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मिनट। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? ये देखो, फिल विथ कलर। फिल विथ कलर मतलब कलर टूल हेल्प टू फिल द कलर इन इनक्लोज शेप। कोई शेप है तो उसमें ये देखो आइकन पर इन्होंने एरो भी करके दिखाया है। ऐसा होता है आइकन, कैसे इसको यूज़ करेंगे? सेलेक्ट द टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इनसाइड द ड्राइंग एरिया। द माउस पॉइंटर विल चेंज साइन। सेलेक्ट टू कलर्स दैट यू वॉन्ट टू फिल इन इट, फिल द ऑब्जेक्ट। फिर है लास्ट में लेफ्ट क्लिक करो, जो भी आपको ऑब्जेक्ट कलर करना है, और उस पर जा कर के छोड़ दो, कलर फिल हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू कलर, द कलर टू ऑप्शन विल बी फिल्ड इन इट। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक द माउस पॉइंटर इन एनी इनक्लोज पिक्चर एंड क्लिक टू फिल इन द सिलेक्टेड कलर। आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और उस पर क्या करोगे कि जाकर ये फिल विथ कलर वाला ऑप्शन लेकर के वहीं पे छोड़ दोगे, कोई कलर चूज कर लोगे, जो भी आपको कलर जहाँ फिल करना है और कर सकोगे आसानी से। ठीक है, जैसे कि ये यूज द ब्रश टूल टू क्लोज द गैप्स। जैसे आपने ये ड्रॉ किया, कोई कलर चूज किया इसमें से और फिर लेकर के वहाँ ड्रॉप कर दिया, वहाँ पर छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक लेकर से लेकर के उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहुँचे और मिड में जा कर के आपने राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, तो वो कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी आपने चूज किया हो। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स रिमेम्बर जो ज़रूरी हैं पॉइंट्स। व्हेन एवर यू आर फिलिंग कलर इन अ ड्राइंग एरिया, कलर शेप आउट बिकॉज ऑफ अ गैप, डोंट क्लोज और डिलीट योर ड्राइंग। यूज द ऑप्शन अंडो फ्रॉम द एडिट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। तो मेरा ये है कि अंडो ऑप्शन यूज करके आप वापस, जैसे आपसे कोई मिसप्रिंट या कोई गलती होती है तो आप अंडो यूज करेंगे तो वापस वो डिलीट हो गया, अंडो यूज करेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब। चलो आज चैप्टर 8 भी हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर रीडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 7 और 8 चैप्टर में पूरा करा दूंगी। फिर आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं 15 से, तो आपको करना होगा। तो लैप मैनर चैप्टर 8। डियर स्टूडेंट, व्हेन यू यूज़ द कंप्यूटर लैब यू मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर टाइम एंड एनर्जी। आप जब भी कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, जिससे कंप्यूटर का टाइम और एनर्जी दोनों बच सके। तो आपको क्या क्या करना होता है पहले आप वो पढ़ोगे, फिर बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगी क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर लैब में वो। ठीक है, तो पहले देखो डोज आप क्या करते हो। ऑलवेज कम टू द कंप्यूटर लैब फ्रॉम योर क्लास रूम इन अ प्रॉपर लाइन। जब भी आप आए कंप्यूटर लैब में तो एक प्रॉपर लाइन में आए। ऑलवेज सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर और स्टूल बाय द मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 फीट बिटवीन योर आइज एंड स्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर आइज। और हमेशा आपको कंप्यूटर स्क्रीन से 2 फीट की दूरी रखनी चाहिए अपनी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू और मोर स्टूडेंट्स शेयर वन कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइड द टाइमिंग टू डू द प्रैक्टिकल असाइनमेंट विदाउट फाइटिंग एंड मेकिंग नॉइज। दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक ही कंप्यूटर से आप लोग अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं बिना लड़े और बिना शोर किए। हैंडल ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर टीचर। और हर वो पार्ट आपको समझना है जैसे मैम कह रही है कंप्यूटर टीचर, वो सारा कुछ आपको करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर विथ वेट हैंड। कोई भी आपको कंप्यूटर का पार्ट गीले हाथों से नहीं छूना है। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के आसपास बिल्कुल भी हमें खाना पीना नहीं करना चाहिए।
डू नॉट टच और पुल एनी वायर्स और प्लग, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉट। और हमें कोई भी वायर टच नहीं करनी चाहिए गीले हाथों से, और ना ही कोई वायर छूनी चाहिए, ना प्लग करनी चाहिए, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉट लग सकता है। ठीक है, डू नॉट मूव इन द लैब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और लैब के अंदर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ज़्यादा मूव भी नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ रूल्स थे जो आपको नहीं करने चाहिए या करने चाहिए जो ज़रूरी था। तो आपका 7 और 8 चैप्टर पूरा रीड हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 7 और 8 चैप्टर की सारी एक्सरसाइज करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले। गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।